नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बठिंडा। आज आपको एक बीमारी, एक समस्या जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज अपने हाथों में टिंगलिंग और नंबनेस, जिसको हम कहते हैं कि एक सुनपन या फिर एक सुई चुभने जैसी सेंसेशन महसूस करता है या फिर दर्द महसूस करता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम को कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों कहते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम का जो ओरिजिन है वर्ड का, वो इसलिए बनता है कि यहाँ पर हमारे कार्पल बोन्स होती हैं, यहाँ पर कुछ हड्डियाँ होती हैं जिसको हम कार्पल बोन्स कहते हैं, और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में से कुछ मांसपेशियाँ और एक नस जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं, वो पास होती है, वो गुजरती है। तो उसको उसके दबाव से जब मरीज ये लक्षण महसूस करता है तो उसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहा जाता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में टिपिकल जो एक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? एक मरीज जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम ये बीमारी है, वो मरीज कंप्लेंट करता है कि उसको हाथ की हाथ के इस हिस्से में, जो हाथ के हम टिपिकली कहते हैं कि 3.5 उंगलियां, अंगूठा, ये 2 उंगलियां और जो हमारी रिंग फिंगर होती है उसका जो एक हाफ है, उसमें ये सेंसेशन महसूस होती है, टिंगलिंग, नंबनेस और पेन की जो सेंसेशन है, सुइयां चुभने वाली सेंसेशन। तो पेशेंट इन 3.5 फिंगर्स में हाथ के इस सरफेस पे ये सेंसेशन महसूस करता है, ये प्रॉब्लम महसूस करता है। इसके अलावा मरीज क्या महसूस करता है? इसके अलावा मरीज के जो लक्षण हो सकते हैं, हम जैसे देखते हैं कि हमारे अंगूठे के नीचे यहाँ पर एक प्रोमिनेंस, एक उभार नजर आता है, ये उभार कुछ हमारे हाथ में मांसपेशियां होती हैं जो ये उभार बनाती हैं, तो इसकी फ्लैटनिंग होनी शुरू हो जाती है इस समस्या में। तो ये बीमारी जब थोड़ी सी एडवांस होती है तो ये हाथ का ये हिस्सा फ्लैट होना शुरू हो जाता है, तो जिसको हम कहते हैं कि थिनार, जो हमारी एमिनेंस है, उसका फ्लैटनिंग होनी शुरू हो गया, वो फ्लैट होना शुरू हो गया। तो एक ये लक्षण हो सकता है। दूसरी बार कई बार मरीज बोलता है कि उसको कुछ छोटे छोटे काम करने में, छोटे काम जैसे बटन लगाना या किसी चीज़ को, वस्तु को उठाना या फिर ताला खोलना या ताला बंद करना, उसमें ये दिक्कत पेशेंट कई बार महसूस करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कामों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो मरीज के लक्षण हो गए। लक्षण के बाद हम इस बीमारी को डायग्नोस कैसे करते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि हम कैसे कंफर्म करते हैं कि मरीज को ये नस का दबाव है जिसकी वजह से उसको ये लक्षण महसूस होते हैं? तो इसको कंफर्म करने के लिए कुछ हम टेस्ट होते हैं जो हम ओपीडी में फिजिकल एग्जामिनेशन करके, मरीज को एग्जामिन करके हम चेक करते हैं। तो कुछ ऐसे टेस्ट, जैसे हम कई बार मरीज को बोलते हैं कि अपने हाथों को 1 मिनट के लिए ऐसे रखिए, तो जब मरीज अपने हाथ को 1 मिनट के लिए ऐसे रखता है तो उसके ये लक्षण बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह का टेस्ट होता है। उसके अलावा हम यहाँ पर जहाँ से ये नस पास करती है हाथ में से, वहाँ पर हम ऐसे टैप करते हैं तो मरीज फिर से ये सेंसेशन, ये टिंगलिंग, नंबनेस, सुई चुभने वाला सेंसेशन महसूस करता है, इसको हम टिनल साइन कहते हैं। तो ये कुछ ओपीडी में किए जाने वाले टेस्ट हैं। उसके अलावा हम मरीज की नर्व कंडक्शन स्टडीज, जो नसों के टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज करते हैं। उसके अलावा हम मरीज के कलाई का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं जिसमें हमें इस नस की फ्लैटनिंग और दबाव नजर आता है। तो ये तो हमारे टेस्ट हो गए। एक बार कंफर्म करने के बाद कि पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो हम उसका इलाज के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इलाज में सबसे पहले बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि कुछ ऐसे टिपिकल कैटेगरीज, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ये समस्या ज़्यादा आती है, जैसे जो लोग ज़्यादा टाइपिंग करते हैं तो अपने हाथों को ऐसे रखते हैं, तो हाथों को ऐसे रखने से इस नस पे दबाव आता है जिस वजह से मरीज ये लक्षण महसूस करता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना, ज़्यादा टाइपिंग या फिर टाइपिंग करते हुए हाथों को यहाँ पे हम स्प्लिंट कर सकते हैं ताकि कलाई पर ये जो इस तरह से दबाव आता है वो ना आए और हाथ सीधे रहें, तो इस बीमारी को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, लक्षणों को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा देखा गया है कि ये बीमारी ओबिसिटी, जो मोटापा है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा हो जाती है, या कुछ मरीज जिनको गठिए की प्रॉब्लम है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, तो उन मरीजों में भी ये दिक्कत ज़्यादा देखी जाती है। तो वेट कम करना भी इसके ट्रीटमेंट का ही एक हिस्सा होता है। तो और ट्रीटमेंट की हम बात करें, ये तो बिहेवियर मॉडिफिकेशंस हो गए। सेकेंडली हम इसको हाथों को, जैसे मैंने बताया, स्प्लिंट करके रख सकते हैं, दोनों हाथों को पैरेलल रखना, माउस का इस्तेमाल ज़्यादा करना, उससे भी इन सिम्टम्स को कम किया जा सकता है।
उसके अलावा अगर हम बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के अलावा हम यहाँ पर कई बार जहाँ पर इसनस का दबाव होता है कलाई में वहाँ पे स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं। स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाने से जो सूजन है स्कार्पल टनल के अंदर वो सूजन कम हो जाती है और कई बार मरीज को काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा जो हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो हम पक्के इलाज जिसको हम कहते हैं डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो वो एक सर्जरी होती है जिसको हम कार्पल टनल रिलीज या फिर मीडियन नर्व डिकम्प्रेशन इस जो नस का दबाव है हम यहाँ पर एक छोटा चीरा लगाकर इस कार्पल टनल को ये जो अंदर सुरंग डार्क कार्पल टनल बनती है वहाँ पर छोटा एक चीरा लगाकर उसको रिलीज करते हैं ताकि नस पे जो दबाव है वो कम हो जाए और या खत्म हो जाए। वो दबाव खत्म होने के बाद मरीज अपने सिम्टम्स में काफी रिलीफ महसूस करता है। इसमें एक चीरे वाली सर्जरी भी होती है और दूसरा एक एंडोस्कोपिक दूरबीन से भी एक तरीका होता है, दूरबीन द्वारा भी इसका इलाज करते हैं। तो ये इस बीमारी के लक्षण हैं, इस बीमारी का इलाज है, बिहेवियर मॉडिफिकेशंस हैं कि आप इन सिम्टम्स को कैसे कम कर सकते हैं। ये सब जानते हुए अगर आपको महसूस होता है कि आपको ये सिम्टम है, आपके आसपास किसी किसी को ये सिम्टम है, तो अपने नियरेस्ट जो भी घर के पास न्यूरोसर्जन है उनसे मिलें, कंसल्ट करें और इस बीमारी का इलाज करवाएं। थैंक यू।